मैं सुना हुआ कनाडा द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एग्री विद दैट, बट ये जो रियलिटी है पास में थी इन द करंट सिचुएशन प्रेजेंटली फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years में कनाडा हैज चेंज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग क्राइसिस के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको क्राइम के रिगार्डिंग कहो तो कनाडा में क्राइम बहुत इंक्रीज हुआ है, चाहे वो सेक्शुअल क्राइम हो, चाहे वो थेफ्ट के रिगार्डिंग हो, रॉबरी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मर्डर रेट हो, तो क्राइम हर चीज का इंक्रीज हुआ है। सो सीधा बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, आपको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन कनाडा राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन, एंड आपको समझ आएगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कनाडा इज मोर सेफर फॉर द क्रिमिनल्स एज कम्पेयर टू द कॉमन पीपल। अगर आप कोई क्राइम भी करते हो ना, आप सुबह क्राइम करोगे शाम को आपको बेल मिल जाएगी, या विद इन 2 hours में आपको बेल मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट और द ट्रूडो गवर्नमेंट। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी चेंज की गई है, तो आप इफ दे कैश यू, पुलिस कैच करती है, यू कैन गेट अ बेल विद इन 2 hours, या आपको इवनिंग तक आपको आराम से बेल मिल जाएगी। सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, सीधा बात करते हैं, मैं आपको सीधा वीडियो पे ले जाता हूँ, देन वी विल डिस्कस एंड वी विल गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन द कनाडा राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ इज इट्स रियली अ सेफ प्लेस और नॉट, और इज अ रियली अ सेफ कंट्री और नॉट। Mohammed Jacoby escaped with his life after thieves went for the cash in his car. It happened Tuesday after 5 p.m. here in Thornhill. This dramatic video recorded by someone in a condominium. Jacoby's assailants driving stolen cars boxed him in professionally as he left a plaza with a bag of money, $110,000 in Canadian cash. I tried to go back, reverse back, but they closed me at the back as well. And the problem is the car went to the safety mode and the gear is not work. Jacoby is alone but puts up a fight, even though he says the assailants were armed. They have knives. Knives. They have knives, yeah. One knives I got from them and I gave to the police. तो बात हम समझाओ, तो दो गाड़ी आगे रुकी, दो गाड़ी ने उसको कवर अप किया और तीन लोग निकले, और तीन लोगों ने इस पर जो 110,000 कैनेडियन डॉलर्स के पास जो पैसे थे उसके पास सारे उसे छीन लिए गए, पूरा बैग छीन लिया गया, उसको मारा भी, इवन उसको नाइफ भी मारा, और उसने ये भी कहा कि मैंने एक पर्सन से नाइफ छीन भी लिया था। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कैनेडा की ना, देखो सी दिस क्राइम्स आर हैपनिंग अ लॉट एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन। जब मैं फर्स्ट टाइम कैनेडा आया था ना, तो मैं जब कहीं वर्क कर रहा था आई रिमेंबर, तो मुझे किसी ने कहा था, इवन सब ने कहा था, नॉट किसी ने, अगर मैं 10 लोगों से मिला हूँ और 10 में से 9 लोगों ने मुझे एक चीज़ कही थी, अगर कोई आपके पास आता है और कोई आपके स्टोर में या आपके रेस्टोरेंट में कुछ छीनता है या कुछ आपको लूटने की कोशिश करता है, आपको नाइफ दिखाता है, गन दिखाता है, लेट इट बी, करने दो, जो करना है करने दो, आपके लिए आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको प्रायोरिटी दो, जो होना है होने दो, अगर पैसे लेता है बॉक्स खोल दो और अपना कैश काउंटर खोल दो, ले जाओ भाई, जो ले जाओ ले जाओ, पैसे वापस आ जाएंगे, सब कुछ इंश्योरेंस हुई होती है, लेकिन उससे लड़ना नहीं है। आप एक जगह खड़े रहो, वीडियो बनाते रहो, बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, लेट इट बी, जो होता है होने दो, जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस, एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। इफ यू मीट एनी पर्सन, वो आपको यही कहेगा, जो होना है होने दो, मत करो। आपको इस तरह की वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, यू विल सी लॉट्स ऑफ वीडियोस, काइंड ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब, जहाँ पे वो सुपर मार्केट पर जाते हैं, कॉस्को में, वॉलमार्ट में, को स्टोर में, किसी लोकल चेन में, रिटेल स्टोर में, और चीज़ें छीन लेते हैं, बियर की बोतल उठा के लेके जा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले जाते हैं। और आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ, 90% ऑफ द ओल्ड एज पीपल इन कैनेडा आर डूइंग द शॉप लिफ्टिंग। द रीज़न, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, और जो उनको पेंशन मिलती है, जो उनको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, उसमें उनके खर्चे नहीं हो पाते, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस है, इंश्योरेंस पे करनी होती है, गाड़ी की इंश्योरेंस पे करनी होती है, घर की इंश्योरेंस पे करनी होती है, रेंट पे करना होता है, और सब अलग अलग रहते हैं, और ग्रोसरीज इतने एक्सपेंसिव हैं, टैक्स सिस्टम बहुत हाई है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि लोग 70-80 ईयर्स तक क्यों काम करते हैं? ऐसा नहीं है कि उनको काम करना पसंद है, काम करना उनके लिए मजबूरी है, बिकॉज काम नहीं करेंगे दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, दिस इज अ रियलिटी। सो कैनेडा को जो दिखता है बाहर से, इट्स टोटली डिफरेंट जब आप कैनेडा में होते हो। इन द सेकेंड वीडियो व्हाट इज मैन इज डूइंग राइट नाउ, उसने फनी वीडियो बनाने के चक्कर में अपने दोस्त को बोला कि वीडियो रिकॉर्ड कर, उसके पास टिम हॉर्टन का ग्लास है, डजंट मैटर चाहे कॉफी का हो, फ्रेंच वनीला का हो, उसने ओपन गार्डन में फेंक दिया है, और फेंकने के बाद वो हंसी हंसी मजाक मजाक करके वापस आ रहे हैं,
और जब इस तरह के वीडियो बनाते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टा, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, और जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है और जब लोग देखते हैं तो वो यही कहेंगे कि डिपोर्ट दैम, ये इंडियंस है, इंडियंस ऐसे ही बिहेव करते हैं अपनी होम कंट्री के अंदर भी, दे ऑल आर थ्रैश। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी है सबका यही है, उनको कोई मैनर्स नहीं है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कैनेडियन की कोई वैल्यू नहीं है, तो दे ऑल आर बर्डन ऑन कैनेडा। दिस काइंड ऑफ कमेंट्स यू विल गेट इन दिस काइंड ऑफ वीडियो, आपको मैं 2 दिन कमेंट्स पढ़ाना भी चाहूंगा, यू विल गेट एन आइडिया। और आपको 2 3 चीज़ तो भी जरूर मैंशन करेंगे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, वो आपको कहेंगे दिस ऑल इंडियंस आर लाइक दिस। आपको कोई भी ब्राउन पीपल मिलेगा, कोई ब्राउन इंसान गलती करता मिलेगा, दे विल ब्लेम इंडियंस एंड दे विल ब्लेम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैं आपको 2 3 कमेंट्स दिखाता हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। एंड दिस इज वेरी कॉमन, यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ इंडिया बट नॉट द इंडिया आउट ऑफ द मैन। इज नॉट दिस अ स्टीरियोटाइप, सिंस दैट्स वाई देयर कंट्री लुक थ्रैश ऑल द टाइम। सी, जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आप अपनी कम्युनिटी को बदनाम करते हो, आप अपनी जिस कंट्री से आए हो, जो आपका बैकग्राउंड है, आप उसको नेगेटिव में ले जाते हो। और आज के टाइम पे कनाडा में रेसिज्म, रेसिस्ट कमेंट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। पीपल विल मेक यू लाइक, लोग सामने से आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, बट इनसाइड उनके उनके लिए आप कुछ और ही हो, वो आपके बारे में कुछ और ही सोचते हैं। सामने से वो चाहे स्माइल कर रहे हो, बट इनसाइड दे डोंट लाइक यू, एंड दैट्स अ कनाडा इन द करंट सिनेरियो। एंड जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हाउसिंग क्राइसिस है, क्राइम के रिगार्डिंग है, जॉब्स के रिगार्डिंग है, दे विल ब्लेम इंडियन एंड दे विल ब्लेम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ करंट कैनेडा 2024। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और इस तरह की वीडियो कैनेडा में, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया हो, ऑन्टारियो, सस्कैटून, अल्बर्टा, कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी सिटी हो, वो इस तरह की आपको वीडियोस, इट्स बिकम वेरी कॉमन। वो सिर्फ उनके पास फिलिस्तीन का झंडा है और यहाँ से वाले घूमते रहेंगे, घूम घूम के बस यही बोलेंगे वी हैव टू फ्री द फिलिस्तीन। कैनेडा में बैठे हुए लेकिन फिलिस्तीन की बात करते हैं, मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एंड दे आर सेइंग डेथ टू इसराइल, डेथ टू USA एंड डेथ टू कैनेडा। जिस कंट्री के अंदर आप हो, जिस कंट्री ने आपको रिफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है, जिस कंट्री ने आपको पनाह दी, आपको जॉब दी, आपको वर्क दिया, आपको अच्छी जिंदगी दी, अब उसी कंट्री को कह रहे हो डेथ टू कैनेडा। Hope you like this video, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a session, you can DM me on this WhatsApp number, or aap mujhe Instagram pe DM kar sakte ho. I will definitely help you out. But before moving forward, if you are planning to come into Canada, to make sure apne pehle profile check karo, uske baad dekho aapko kahan jana chahiye, and see aapka CL score kya hai, aap kis province mein ja rahe ho, kafi cheeze matter karti hai. So video mein pending kar do, tab tak ke liye goodbye, have a great day.